अभी हम लोग संत मतानुकूल अपराह्नकालीन के सत्संग में रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किए काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को सुने हैं और ये ध्यान संबंधी चर्चाएं हैं। लेकिन ध्यान करेगा कौन, ध्यान करेगा कौन, इसके विषय में काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, जो अति आतप व्याकुल होई अतरु छाया सुख जानहि सोई। अब रेगिस्तान में पड़ गया है, चिलचिलाती धूप है, चिलचिलाती धूप है और पड़ गया है वहाँ बालू पर और थोड़ा सा भी छा सिर को क्या कहते हैं, सिर को छिपाने का कहीं वृक्ष नहीं मिल रहा है और कहीं एक छोटा सा भी अगर वृक्ष मिल जाए और उसमें सिर छिपा ले तो उसी को वृक्ष के छाया का सुख का अनुभव होगा। और जिसको कि धूप लगा ही नहीं, जिसको कि धूप का ज्ञान नहीं है और उसको अगर वृक्ष मिल जाए तो वृक्ष के छाया का सुख उसे क्या पता लगेगा। उसी तरह से सबसे पहले हम आप लोगों को, हम मनुष्यों को जीवन के दुख के विषय में जानना पड़ेगा। ये जीवन में कितने प्रकार के दुख हैं, जब तक कि जीवन के दुख को नहीं जानेंगे तब तक जो है सुख की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे तो शास्त्रों में तीन प्रकार के दुख बताए गए, गुरु महाराज चार प्रकार के दुख बताते थे, दैहिक दैविक भौतिक और गुरु महाराज एक जोर देते थे मानसिक, एक दैहिक दुख, दूसरा दैविक दुख, तीसरा भौतिक दुख, चौथा मानसिक दुख। भगवान श्री राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं था लेकिन मानसिक दुख था, मानसिक क्लेश था, मानसिक दुख था, मन से आदमी दुखी था, मन से दुखी था। तब ना एक धोबीन जो है धोबीन को धोबी ने कहा दिया, हम कोई राम नहीं है, हम कोई राम नहीं है कि तुम घर से भाग जाएगी तुमको फिर से हम लड़ करके ले आवेंगे, भाग जाएगी तो भाग जाओ। ये मानसिक क्लेश हुआ, ये क्या हुआ मानसिक क्लेश। ये चारों प्रकार के दुख से ऊपर उठना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तम श्रोता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, श्रोता बनना पड़ेगा। जब तक कि श्रोता नहीं बनेंगे तब तक परोक्ष ज्ञान नहीं होगा और जब तक कि परोक्ष ज्ञान में दृढ़ नहीं होंगे तब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। जब तक कि परोक्ष ज्ञान में, श्रवण ज्ञान में दृढ़ नहीं होंगे, मनन ज्ञान में दृढ़ नहीं होंगे तब तक निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए उत्तम श्रोता बनना पड़ेगा। उत्तम श्रोता का लक्षण बताया काकभुसुंडी जी महाराज ने, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास अपाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन कर ही प्रकाश। श्रोता की बुद्धि सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, श्रोता की बुद्धि कैंची के समान नहीं होनी चाहिए। हाँ बाबा जी बोल रहे तो सब बढ़िया बात, लेकिन है नहीं बोले के चाहिए, बस हो गया इधर से उधर, कैंची को कोई कपड़ा तो रहा नहीं भाई, बस काट करके दोनों को दो तरफ कर दिया। नहीं नहीं, आप श्रोता कैसा बनिए, तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवर दूसरा अवर, एक प्रवर दूसरा अवर। ये संत मत का नीचे का ज्ञान नहीं, सबसे पहला ज्ञान है ये। एक प्रवर, प्रवर का अर्थ होता उत्तम, अवर का अर्थ होता अधम। प्रवर को भी चार भागों में बांटा गया, अवर को भी चार भागों में बांटा गया। श्रोता को चातक के समान होना चाहिए, श्रोता को हंस के समान होना चाहिए, श्रोता को तोता के समान होना चाहिए, श्रोता को मछली के समान होना चाहिए। ये प्रवर श्रोता, अवर श्रोता। श्रोता को भारुंड पक्षी के समान नहीं होना चाहिए, श्रोता को भेड़िया के समान नहीं होना चाहिए, श्रोता को बैल के समान नहीं होना चाहिए, श्रोता को ऊंट के समान नहीं होना चाहिए। भारुंड पक्षी, भेड़िया, बैल और ऊंट, ये चार प्रकार का श्रोता नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कैसा, चातक, हंस, तोता और मछली के समान होना चाहिए। माना श्रोता मनचित लगा करके जब तक कि संत वचन को नहीं सुनेगा तब तक उनको ध्यान में नहीं रहेगा, उस पर विचार नहीं सकता। नहीं तो सुने, अगर इधर उधर छोड़ पकड़ के सुनेगा कहाँ कुछ अर्थ लगावेगा कुछ। उत्तम श्रोता उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। अब बुद्धि अच्छी कब होगी, जब तक कि उसके अंदर में सात्विक गुण विशेष नहीं होगा तब तक उनकी बुद्धि अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए आहार विहार की बड़ी आवश्यकता है। खान पान को प्रथम समारो तब रस रस गुण मारो, खान पान पर सुधार होना चाहिए। शायद आप लोगों को खराब लग जाए, बहुत जगह ध्यान शिविर चलता है लेकिन भोजन में क्या होता है, गरिष्ठ भोजन कराया जाता है। आप साधक बुलाए हैं, किसको बुलाए हैं, साधक बुलाए हैं, साधक अनुकूल भोजन होना चाहिए। ये भोज नहीं कर रहे हैं ना क्या, शायद लगेगा बात को, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं लगता है।
हाँ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ता, कौन हमें मेरे पीछे या मेरे सामने क्या कहेगा, हमको कोई नहीं। लेकिन स्रोत में साधक का जो भोजन होना चाहिए, साधक के भोजन के अनुकूल भोजन कराएंगे तब ना वो साधना पे बैठ पाएगा। असाधक के भोजन के अनुकूल भोजन नहीं करावे, राजसी भोजन करा दिए तो साधना क्या करेगा, आलस में चला जाएगा, निंद में चला जाएगा, उससे जब तक नहीं होगा। और जिससे जब तक नहीं हुआ, जब में जिसकी शुद्धि नहीं रही, क्या वो मानस ध्यान कर सकता है, क्या कर पाएगा, नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले भोजन, जब तक कि भोजन नहीं सुधरेगा तब तक भजन नहीं बनेगा। गुरु महाराज कहते थे दूध को भी ज़्यादा आँट दो तो राजस हो जाता है, क्या हो जाता है, राजस हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अगर हम आप लोग साधना करें, अगर हम लोग आप लोग ध्यान करें, ध्यान करावें, तो भोजन जितना सरल हो, जितना सादा हो उतना अच्छा। दूसरी बात, हम आप लोगों को ध्यान देनी है, ज़बरदस्ती किसी के थाली में डालने का प्रयास मत करें, ये दूसरी स्थिति है। साधना शिविर में दूसरी बात है कि हाँ बाबा है, एक पूरी ला लिए, एगो मिठाई ला लिए, एगो रसगुल्ला, एगो जिलेबी, नहीं नहीं है, सब ज़बरदस्ती देने का प्रयास मत करें, ज़बरदस्ती देने का प्रयास मत करें। बहुत आदमी नहीं लेते, बहुत आदमी ज़बरदस्ती देता है, अब उसको थाली में छोड़ने में नहीं बनता, क्यों, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, अन्न ईश्वर है, अन्न भगवान है, जीता जागता ब्रह्म है, अन्नम न निंदा, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सब हम लोगों में कमी है, जब तक कि ये मूल कमी को हम नहीं सुधारेंगे ना, तब तक कितनों ऊँची से ऊँची बात करने, लेकिन हम वहीं पर रहेंगे जहाँ पर हम अभी हैं, जहाँ पर भी हम हैं कहाँ पर, हम अंधकार मंडल में, अंधकार मंडल में ही हम रह जाएंगे। जब तक कि हम लोगों का आचार विचार, रहन सहन, खान पान नहीं सुधरेगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहने की बात